डिस्क्लेमर, ये वीडियो तब शूट किया गया था जब त्रिपुरा में कोरोना का प्रभाव बहुत ही कम था। गाइस गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप लोग। और सुबह के बज रहे अभी 9:15। मैं थोड़ी देर पहले नींद से उठा जिस वजह से मेरा ऐसा हाल है, थोड़ा इग्नोर करना यार। और आज का वीडियो होने वाला है अगरतला फ्लाईओवर के ऊपर, जो होगा सत्यजीत के साथ, जो खूब SRD ब्लॉग से। मैं उसके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर देखना एक बार, पसंद आया आप लोग। तो आज का जो वीडियो है मैंने पहले ही बता दिया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये वीडियो का प्रॉपर फ्लाईओवर के ऊपर मैं फ्लाईओवर का पूरा टूर दूंगा, और नाइट का भी दिखाऊंगा और दिन का भी दिखाऊंगा, दिन में कैसा व्यू आता है और रात में कैसा व्यू आता है। तो आप देखते रहिए मेरे साथ वीडियो, तो मैं रेडी हो जाता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ पूरा वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। तो जल्दी से मैं रेडी हो जाता हूँ और उसके बाद पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो लेट्स शुरू करते हैं। सच्ची में एक बात बोलो, वीडियो के लिए बहुत सुबह से उठ के बोलो। A few moments later. देखो उम्र सारी। तो अभी रेडी हो चुका हूँ और सत्यजीत आ चुका है उसके साथ, इंट्रोड्यूस कराता हूँ आप लोगों को। जैसा कि मैंने बोला था आज का वीडियो होने वाला है सत्यजीत के साथ। तो है सत्यजीत जो कि है SRD ब्लॉग से, और इसका चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जरूर। और एक बात, जिन लोगों ने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा, बिरयानी वाला ब्लॉग, आई बटन में मिल जाएगा, जरूर देख लेना एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अभी भाई को घुमाएगा और हम जाएंगे ब्लॉग की तरफ, फ्लाईओवर की तरफ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं फ्लाईओवर के ऊपर जा रहे हैं। और दोस्तों एक बात बता दो, ये जो फ्लाईओवर है ये 2 किलोमीटर तक लंबा है। और एक बात, ये जो फ्लाईओवर बनने में टोटल जो खर्चा हुआ था वो हुआ था $2.5 बिलियन। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो में अभी जो सीन दिखाऊंगा आप लोगों को पसंद आएगा। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking but there's no time for me. तो दोस्तों और एक बात, ये जो फ्लाईओवर है इसका काम शुरू हुआ था 2015 में और इसका काम ख़त्म हो चुका था 2018 में, बट कुछ रीज़न की वजह से इसमें लोगों को जाने नहीं दिया।